चलिए बच्चों, आज अब हम शुरू करेंगे ठोस अवस्था का अगला जो हमारा टॉपिक है, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु और एकक कोष्ठिका। इसका प्रयोग आपका इस चैप्टर में आगे तक आपका क्या है, निरंतर होते रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्रिस्टल जालक क्या होता है, पहले उसको कैसे बनाते हैं इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप बिल्कुल एक आयत बना लगे पहले तो, ठीक है ना। बिल्कुल बनाने का तरीका सीखना है पहले, हैं? एक आयत बनाए, एक और आयत बनाओ इसी आकार का। इसी आकार का कैसे बनाओगे भैया, जितना यहां बाएं से चले हैं उतना यहां जगह छोड़ दो। इसका मतलब बड़े लंबाई बराबर होगी, जितना ऊपर छूटा उतना इसके नीचे चले जाना, ये हो गया। अब इसका आयत बना करके इसको मिला दोगे, लाइन सीधी नहीं भी होंगे तो आप ध्यान देना, ये हो गया। अब इनके आमने सामने के कोनों को मिला लो, ये बना, ये बना, इतना बन गया आपका, ठीक हो गया ना इतना तक। अब इसमें क्या करना ना, देखिए इन दोनों के समांतर बिल्कुल बीच में भी एक समांतर रेखा और देनी, ठीक हो गया। फिर इसके नीचे समांतर यहां भी आएगी, इन दोनों के समांतर यहां भी बीच में आएगी, तो इसकी सीध में आपका ये वाला बिंदु होगा और इसकी सीध में इसका ये वाला बिंदु होगा, बिल्कुल समांतर। ये दोनों लाइनें समांतर, जैसे ये और ये समांतर थे, ये और ये समांतर थे, ये और ये भी समांतर रहेंगे आपके, ठीक है। अब इनको मिला लो, ये ठीक है ना, ये हो गया आपका, हो गया। अब आपको क्या लगता है, तीन खड़ी प्लेटें दिख रही होंगी आपको ऐसे, ठीक है। अब ऐसा ही काम क्या करेंगे, इन दोनों समांतर के बीच में एक समांतर यहां दे दो, ये हो गया। और इन दोनों के समांतर के बीच में इसकी सीध में आगे वाला बिंदु, इसकी सीध में यहां पीछे वाला बिंदु, ऐसे मिला लो पहले, ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है ना। अब इनको भी मिला लो, तो ये हो गया। फिर इसको भी मिला लो, तो देखो तिरछी प्लेटें भी तीन दिख रही होंगी, ये देखना ना, एक दो तीन, खड़ी प्लेटें भी एक दो तीन, देखो बीच वाले में कुछ कमी दिख रही है। देखो इसमें एक दो तीन लाइन है, एक दो तीन लाइन है ये दिख रही है, इसमें एक और दो, तो बीच में भी एक लाइन और डाल दो इसके, ये हो गया ना। अब नौ लाइनें दिख रही होंगी, एक ये छोटी वाली जो दिख रही है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, हो गया। इन नौ के नौ लाइनों के केंद्रों को खड़े मिला लो पहले, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, सेंटर से सेंटर है, ये हो गए, ये हो गए खड़े। तिरछे भी मिला लो भी इनको, ये मिल गया यहां सेंटर से, बीच वाले का सेंटर, फिर इसका सेंटर, यहां से भी ये हो गया, ठीक है। इतना तक आपको बनाना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कैसे बनाया मैंने, देखो मैं खाली आपको रफ एक और बनाता हूं नीचे, ये हो गया एक आयत, उसी आकार का दूसरा आयत। मैंने कहा कि जितना बाएं उतना छोड़ो, जितना ऊपर उतना नीचे तक जाओ, ये बना लो, ये हो गया ना। फिर इनके आमने सामने के कोनों को मिला लो, इतना बन गया। फिर इन दोनों के समांतर बीच में एक लाइन, इन दोनों के समांतर भी बीच में एक लाइन, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मिल जाएगा, ये हो गया। तीन खड़ी प्लेटें होगी, इन दोनों के समांतर एक लाइन, ऐसे यहां भी एक लाइन इन दोनों के समांतर, तो ये ऊपर वाला बिंदु ऊपर वाले से, नीचे वाला बिंदु नीचे वाले से, ठीक हो गया। अब एक दो तीन, इसमें एक दो ही लाइन है, तो इसमें एक लाइन और डाल दिया मैंने, हो गया। अब फिर क्या करा मैंने, सारे जो नौ की नौ लाइनें हैं उनको केंद्रों को मिलाओ, खड़े भी मिलाना और तिरछे में भी मिलाना है, ठीक है ना। तो ये बन गया भी आपका, बिल्कुल वही संरचना, थोड़ी छोटी बन रखी है, ये कराता है हमारा क्रिस्टल जालक। इसमें बिंदुओं को मैं प्रदर्शित कर देता हूं, पहले नौ पॉइंट एक प्लेट में लिख जाएंगे, ऐसे एक प्लेट टाइप की लिख रहे हैं, दूसरे में भी नौ लिखेंगे। देखिए अभी आपको आगे जा करके बहुत महत्व लिखेगा भैया इन डायग्रामों का, तो इसलिए पहले रफ में आप इनको बनाना सीखें, साथ साथ मेरे साथ साथ उसको देखते हुए बनाने की कोशिश करना उसको बाद में, ठीक है ना। ये है टोटल 27 बिंदु दिख रहे होंगे, बिल्कुल एक समान क्रम में दिख रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं डायग्राम बनाने, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब ये कहता है कि इस ये जो संरचना है, इस संरचना में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये जो बिंदु दिखा रखे हमने, ये जो डॉट लिखे हुए ना, ये बने हैं, ये है क्या, अवयवी कण। किसी भी
क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। कहीं पे मैंने कहा था ये धनायन ऋणायन हो सकते हैं, कहीं पे धातु परमाणु हो सकते हैं जो जुड़ करके क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे। एक नियमित व्यवस्था में पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कण, तो वो धातु परमाणु भी हो सकते हैं जो नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, या आपके वो क्या हो सकते हैं अधातु परमाणु भी हो सकते हैं, या वो अणु भी हो सकते हैं जो आपस में जुड़ करके क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेंगे। ठीक, तो उन्हीं अवयवी कणों को मैंने यहां ऐसे क्या है बिंदु से प्रदर्शित कर रखे हैं। ठीक, तो क्रिस्टल जालक क्या हो गया आपका? किसी भी स्पीसीज का एक ऐसा लघुत्तम भाग, ठीक है, जो कि उस स्पीसीज के अंदर अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। त्रिविमीय व्यवस्था मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अनुदिश कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का जो लघुत्तम भाग हम प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मतलब ये किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा क्रिस्टल हो जो उस क्रिस्टल के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेगा कि कण कैसे व्यवस्थित है उसके अंदर, क्या उस चीज को व्यवस्थित क्या है तुम्हारा प्रदर्शित करता है, तो उसका नाम कहा जाता है क्रिस्टल जालक। मेरी बात समझ में आया ना? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का, पहले तो इसको समझे फिर इसके अंदर बताते कैसे, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। ठीक है ना, तो कण मिल करके जब क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे तो उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कण कैसे व्यवस्थित हैं उसको यदि आपने क्या करना है व्यक्त करना है, तो उसके लिए जिस लघुत्तम भाग का हम प्रयोग करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उसका नाम क्या कहा जाता है आपका? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिख तो रहा है आपको, देखिए ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे ऐसे तो दिखाते ना, तो देखो एक पॉइंट पकड़ लो यहां पे, इस पॉइंट के अनुदिश देखो एक्स एक्सिस में कणों की व्यवस्था दिख रही है हमको, ये व्यवस्थित है, वाई एक्सिस के अनुदिश भी कणों की व्यवस्था दिख रही है और जेड एक्सिस के अनुदिश भी कणों की व्यवस्था दिख रही है, डॉट मतलब कण ऐसे व्यवस्थित है। कहीं पर से भी देख लो, यहीं पर से देख लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हर एक्सिस के अनुदिश कणों की व्यवस्था दिख रही होगी, तो इस लघुत्तम भाग का नाम कहा जाता है आपका क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और क्रिस्टल जालक में वो बिंदु जहां पर कण व्यवस्थित रहते हैं, ये जो दिखा रखे हमने व्यवस्थित दिखा रहे ना कणों की व्यवस्था दिखा रखी है, तो इन बिंदुओं का नाम क्या कहा जाता है आपका? जालक बिंदु कहा जाता है। क्रिस्टल जालक के अंदर उपस्थित वह स्थान जहां पर अवयवी कण मौजूद रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं उनका नाम क्या कहा जाता है? जालक बिंदु। और जालक बिंदु की ये जो त्रिविमीय व्यवस्था है जो कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या है पूर्ण आपको क्या है जानकारी प्रदान करेगा उसी का नाम कहा जाता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसी को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल जालक क्या है? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का वह लघुत्तम भाग जो उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के अनुदिश अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। उस लघुत्तम भाग का नाम कहा जाता है क्रिस्टल जालक। और उसी क्रिस्टल जालक में जिन बिंदुओं पर अवयवी कण या जिन स्थानों पर अवयवी कण मौजूद रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं उनको कहा जाता है जालक बिंदु। ठीक हो गया ना? तर देन उसके बाद अगला जो हमारा इसी का तीसरा भाग है वो है एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका होता है आपका एक ऐसी लघुत्तम इकाई, क्रिस्टल जालक की लघुत्तम इकाई हुई है। ठीक है ना, ये ऐसे बनाए गए जैसे उसको बनाया था वैसे इसको भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें वर्गाकार भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये हो गया ना इतना तक ये। ठीक है, फिर वहां मैंने बीच में लाइनें डाली थी, यहां भी लाइनें डाली, फिर उनको मिलाया था ऐसे, तब बना था ये। ठीक है ना, तो ये है आपका जैसे इसको हम पहले एक दूसरी तरीके से तुलना करते हैं। ठीक है, कोई एक दीवार है, दीवार का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे ईंटों के एक के ऊपर एक, बाएं दाएं ऊपर नीचे क्या है ईंटों को आप जोड़ते जाएंगे तब जाकर के पूरी दीवार का निर्माण हो। उसी दीवार के समतुल्य आप किसको मान लो? क्रिस्टल जालक को मान लो। और दीवार का निर्माण किनसे हो रहा है? सबसे छोटी इकाई क्या है दीवार की? ईंट है, ब्रिक। ठीक है, तो ईंटों के आपस में संयोग से आपका पूरी दीवार का निर्माण हो रहा है, तो ईंटें क्या हुई? दीवार की लघुत्तम इकाई। ठीक है, और ऐसे ही क्रिस्टल जालक का जो निर्माण होता है तो हमने डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको आपको तरीका बताया, लेकिन क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ भी आपका जिन लघुत्तम इकाइयों के आपस में संयोग से हुआ है उन लघुत्तम इकाइयों का नाम कहा जाता है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका भी आसानी से बन जाएगा, आयत या वर्ग जो भी बनाते हैं दूसरे उसी आकार का आयत या वर्ग बनाओ, जितना यहां छोटा है उतना यहां छोड़ दो, जितना ऊपर छोटा उतना नीचे जाओ ना, इसको ऐसे काटो, ये बन जाएगा ना, आमने सामने के बिंदुओं को मिला लो, ये बन गया आपका
क्या एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इस क्रिस्टल जालक के अंदर ऐसी बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं हैं, एकक कोष्ठिका में भी तो स्थान होंगे ना जहां पे कण मौजूद होंगे, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये एकक कोष्ठिका है, तो एकक कोष्ठिकाएं आपस में जुड़ी होंगी तब जाकर के ये क्रिस्टल जालक बना होगा। ऐसी आठ एकक कोष्ठिकाएं होती है जितना मैंने बना रखा है इसके अंदर। देखो मैं आपको छोटा सा निरूपण दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना इसको, है ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, देख लो बस ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला देख लो, ये हो गया ना। यहां से ऊपर जाओ जहां तक बिंदु नहीं मिलता है वहां तक जाओ, ये हो गया ना। यहां से भी ऊपर को जाओ, ये हो गया, इनको मिला लो, ये था ना कोने, ये हो गया ना। अब जहां से बिंदु मिल गया वहां से आगे को फिर दिशा चेंज कर लेना अपनी, ये हो गया, यहां से भी दिशा चेंज हो गई, ये वाला पोर्शन हो गया, ये दिख रहा है। फिर इनको भी मिला लो आपस में, ये हो गया, वो वाला कोना हो गया, यहां से नीचे को आ जाओ, ये हो गया। तो इतना सा आपको ये दिख रहा है, एक एक दिखा। अब इसके पीछे जो एक कोष्ठिका होगी, एक ये एक तो ये दिखा दिया आपने, एक इसके पीछे होगी, तो बीच की दीवार दोनों की क्या होगी कॉमन। जैसे ये कमरा है, इसके पीछे बगल में एक कमरा होगा तो उसकी ये वाली दीवार तो कॉमन होगी ना, तो ऐसे ही पिछला हिस्सा के ये वाला हिस्सा क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो देखो उसके लिए इतना ये पीछे का हिस्सा हो गया, ये दिख रहा है सही, वैसे दिख रहा होगा, एक ये है एक उसके समांतर उसके पीछे, ये फिर ये और फिर ये, ठीक हो गया। तो एक आगे वाले के ऊपर होगा, ऐसे देखो अब आगे वाले के ऊपर वाला इसके ऊपर होगा, तो ऊपर वाला क्या है हिस्सा ऊपर और नीचे वाले के लिए कॉमन हो गया, तो ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो इसके ऊपर को ऐसे जाओगे, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये इसके ऊपर हो गया। अब एक पीछे वाले के ऊपर भी दिख रहा होगा, आधे आधा आधा दिख रहा है क्योंकि बीच की दीवार दोनों की एक ही होगी, तो ऐसे दिख रहा है। तो चार ये है, तो चार इसके समांतर इस साइड होंगे, एक आगे एक पीछे एक इसके ऊपर एक पीछे वाले के ऊपर, आठ एक कोष्ठिकाएं दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल जालक, और इसमें जिन स्थानों पर कण व्यवस्थित है इनको क्या कहते हैं, जालक बिंदु, और जिन लघुत्तम इकाइयों के आपस में संयोग से बना होता है क्रिस्टल जालक, उन इकाइयों का नाम क्या कहा जाता है, एकक कोष्ठिका कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका की परिभाषा को ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल जालक क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का वह लघुत्तम भाग, ठीक है, वह लघुत्तम भाग, वह सबसे छोटा भाग जो कि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को प्रदर्शित कर सकता है। त्रिविमीय व्यवस्था समझते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश कण कैसे व्यवस्थित हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए जिस लघुत्तम भाग का प्रयोग करते हैं उसी का नाम कहा जाता है क्रिस्टल जालक। मतलब एक क्रिस्टल ही है, सबसे छोटा क्रिस्टल जो कि क्रिस्टल के बारे में जानकारी दे। क्रिस्टल तो इस कमरे के बराबर भी हो सकता है, मकान के बराबर भी हो सकता है ना, लेकिन वह लघुत्तम भाग जो क्रिस्टल के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दे सकता है और उसके अंदर कण कैसे व्यवस्थित है एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुदेश उसको प्रदर्शित कर सकता है, उसका नाम क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक में जिन स्थानों पर कण व्यवस्थित थे उनका नाम जालक बिंदु, और किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन छोटी इकाइयों के आपस में संयोग से होता है, ठीक है, उनका नाम क्या कहा, एकक कोष्ठिका। जैसे दीवार का निर्माण ईंटों के संयोग से होता है, ठीक है, तो ईंट उसकी लघुत्तम इकाई होगी। ऐसे क्या है, क्रिस्टल जालक का निर्माण एकक कोष्ठिकाओं के आपस में संयोग से होगा। कण पहले जुड़ करके एकक कोष्ठिकाएं बनाएंगी, फिर एकक कोष्ठिकाएं आपस में जुड़ करके तब क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे, तब उसके अंदर दिखेंगे कि कण पूर्णतः कैसे व्यवस्थित है, ठीक है ना। तरह अब आते हैं एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका, ठीक है, एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की होती है आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी आद्य एकक कोष्ठिका, ठीक है, और दूसरी होती है अनाद्य एकक कोष्ठिका, अनाद्य एकक कोष्ठिका यह, इसी को हम क्या कहते हैं, सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं आदि को, ठीक है ना। ऐसे एकक कोष्ठिका भी है जिसमें अवयवी कण, अब किसी भी चीज का आप वर्गीकरण देते हैं तो वर्गीकरण का कोई ना कोई तो आधार होगा ना। तो यहां पे एकक कोष्ठिकाओं को हमने दो प्रकारों में जो विभाजित किया उसका भी कोई ना कोई आधार बनेगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको पूरा दिखाता हूं मैं,
ये होगा ना। अनाद्य भी पुनः चार प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः केंद्रित, एक होता है फलक केंद्रित, एक होता है अंत्य केंद्रित, एक होता है सिरा केंद्रित अनादि का पोस्टिका। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, डायग्राम बेस्ड है, आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक डायग्राम पर बेस्ड है, डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद बनाने की प्रैक्टिस भी करना, खाली देख करके समझ में नहीं आती है चीजें, एक बार देखें उसके बाद खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली टॉपिक समझ में आ जाएंगे। थर्ड वन, एंड लास्ट वन, ये हो गया। तो देखिए एकक कोष्ठिकाओं में जो अवयवी कण मौजूद हैं वो कहां कहां पर उपस्थित हो सकते हैं उसके आधार पर एकक कोष्ठिकाओं को हम कितने प्रकार में विभाजित करते हैं, दो प्रकार में। ठीक है, आद्य एकक कोष्ठिका, ऐसे समस्त एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित रहते हैं, कोने कितना होता है, आठ हो ना, ये ऐसे मान के चलो आप, ये एकक कोष्ठिका के समतुल्य बिल्कुल, ये चौका डब्बा आपका, ये आपका बिल्कुल समतुल्य है किसके, एकक कोष्ठिका के, हैं ये है, ये एकक कोष्ठिका के समतुल्य होगा। ठीक है, तो कोने कितने हैं इसमें, एक दो तीन चार कोने नीचे के होंगे, चार कोने ऊपर के होंगे, तो ये चार नीचे के कोने हो गए, तो ऐसे एकक कोष्ठिका को कहा जाता है आद्य एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित रहते हैं उनको आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ठीक है, अनाद्य एकक कोष्ठिका होता है जहां पर कण कोनों पर तो होगा ही होगा, कोनों पर तो हमेशा ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ अन्य स्थानों पर भी यदि कण मौजूद है तो ऐसे एकक कोष्ठिकाओं का नाम कहा जाता है अनाद्य एकक कोष्ठिका। जैसे ये है, कोने पर तो ये है, लेकिन कोने के अलावा यदि आपका क्या है, अंदर है बिल्कुल केंद्र में, जैसे ये काम क्या है तुम्हारा एकक कोष्ठिका है बिल्कुल इसके अंदर केंद्र पे है तो वो क्या कहलाएगा आपका, अंतः केंद्रित अनाद्य एकक कोष्ठिका हो गया। ठीक है, दूसरा फलक केंद्रित, आठ कोने तो होंगे होंगे, आठ कोने के अलावा फलक, फलक समझते हैं ना, फलक ये हुआ, ये एक फलक है। ठीक है ना, ये आगे की फलक, ये पीछे की फलक, ये बाएं ये दाएं, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, टोटल छह, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, तो फलक के केंद्र पर भी होगा, जैसे ये एक फलक है बाई साइड की तो ये दाएं साइड की, ये ऊपर की ये नीचे की, अब आगे के लिए ये पीछे के लिए, बिल्कुल दोनों को बीच में निकालेंगे, पीछे वाला पोर्शन तो दिखेगा नहीं ना, तो ये हुआ फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आठ कोने और छह फलक केंद्रों पर यदि कण मौजूद है तो आपका फलक केंद्रित अनाद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, अंत्य केंद्रित क्या हुआ, अंत्य केंद्रित होता है कि आपका अवयवी कण आठ कोने पे होगा, किसी भी दो विपरीत फलक केंद्रों पर, जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम आपको बुक्स में दिखता है तो यही अंत्य है, अंत्य केंद्रित है, अंत्य और ये अंतः, अंतः मतलब अंदर है, अंत्य मतलब एंड, एंड मतलब सिरा। ठीक है ना, ये एक यहां एंड हो गया, एक ये, ठीक है ना, तो दो विपरीत फलक केंद्रों पर होगा, आठ कोने के अलावा दो विपरीत फलक केंद्र, ऊपर का और नीचे का फलक केंद्र भी हो सकता है, आगे और पीछे का भी हो सकता है, बाएं और दाएं का भी हो सकता है, किसी भी दो विपरीत पर। ठीक है, ये भी हो सकता है वो दो विपरीत, वो दो विपरीत ये भी हो सकते थे और आगे और पीछे भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन केवल दो ही पर होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, देन सिरा केंद्रित क्या हुआ, आठ कोनों पर यदि कण मौजूद है और उसके अलावा कहां पे है, सिराओं के केंद्र पर, सिराएं कितनी होती भैया एक कोष्ठिका में, बारह, कैसे, एक दो तीन चार सिराएं कोई खड़ी वाली दिख गई आपको, ये वाला वो पोर्शन सिरा जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, चार ऐसे होंगे ऊपर, एक दो तीन चार, चार ऐसी, एक दो तीन चार नीचे हैं, तो चार चार ऊपर आठ, चार खड़ी सिराएं हैं बारह, तो ये देखिए चले पहले चार खड़ी सिराओं पर हमने दिखा दिया, ये हो गया, चार नीचे के देखो, एक दो तीन और ये
चार, चार ऊपर के एक दो तीन चार, ठीक हो गया। ये कहलाता है सिरा केंद्रित अनाद्य एकक कोष्ठिका। तो ये हो गया हमारा एकक कोष्ठिका के दो प्रकार, किसके आधार पे, एकक कोष्ठिकाओं में कणों की स्थिति के आधार पर एकक कोष्ठिका दो प्रकार के, आद्य और अनाद्य। आद्य एकक कोष्ठिका जहां पर कण केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, ऐसे एकक कोष्ठिकाओं को आद्य कहा जाता है। जहां पर कोनों के साथ साथ कुछ अन्य स्थानों पर भी व्यवस्थित है तो अनाद्य कहलाता है। अनाद्य भी चार प्रकार का होता है, किसके आधार पर, कि कोनों के अलावा वो कौन सा स्थान है जहां पर कण मौजूद है उसके आधार पर उनका नाम अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित या सिरा केंद्रित अनाद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज आप इतना समझ पाएंगे, तो अगले दिन मैं थोड़ा सा इन्हीं एकक कोष्ठिकाओं के आधार पर टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा। तो आप इतना आज कोशिश करें, डायग्राम को कॉपी में बना करके खुद लिख करके बनाने की कोशिश करें, तब चीजें समझ पाएंगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बाई चांस दिक्कत आता है तो हमने कहा पूरा वीडियो देखें, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ये दिक्कत है, तो अगले वीडियो में मैं उसको देख करके आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।